नमस्कार, मैं प्रज्ञा धादत, इस खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार कैबिनेट ने 6000 रुपए या उससे कम मासिक आय वाले लगभग 94 लाख परिवारों को उद्यमिता व स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने को मंगलवार को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 94,33,312 परिवार है जो 6000 रुपए प्रतिमाह या उससे कम की आय पर जीवन यापन करते हैं। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में USA ने मंगलवार को न्यूजीलैंड को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुल बी में सभी मैच जीतकर USA सेमीफाइनल में पहुंची। मुकाबले का एकमात्र गोल USA ने मुकाबले के 17वें मिनट में किया। 17वें मिनट पर एलिजाबेथ यीगर ने पेनल्टी कॉर्नर का गोल में तब्दील किया। न्यूजीलैंड ने आखिरी मिनट तक वापसी की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। मैच में 3 पेनल्टी कॉर्नर USA जबकि 4 पेनल्टी कॉर्नर न्यूजीलैंड ने हासिल किया था। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को राजधानी पटना बन रहे APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का फोटो अपने एक्स पर शेयर किया है। मंत्री अशोक चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि साइंस सिटी विश्व के बेहतरीन केंद्रों में अपना स्थान बनाएगा। साइंस सिटी में दरगाहों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। इसके साथ ही कई भव्य बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूजा स्थल अधिनियम का बचाव करने की अपील की। चीफ ओवैसी ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे कि वह पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत खड़े हैं तो देश में कोई बड़े मुद्दा नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी पूजा स्थल उन लोगों के होंगे जिनके अधिकार में वे 15 अगस्त 1947 तक थे और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा तो आगे कोई मुद्दा नहीं उठेगा, वह ऐसा क्यों नहीं कह रहे थे। स्टार्टअप दिवस के मौके पर बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। अधिवेशन भवन में हुए समारोह में बिहार स्टार्टअप द्वारा शानदार प्रदर्शन करने वाले बिहार स्टार्टअप कंपनियों को सम्मानित किया गया। उद्योग मंत्री ने अलग अलग 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले मोडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। कृषि ड्रोन बनाने वाली कंपनी वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड उप विजेता तथा व्हीकल बनाने वाली कंपनी बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड तीसरे स्थान पर रही। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले खादी इंडिया खादी के सनातनी वस्त्र की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। निफ्ट दिल्ली के डिजाइनर ने इसे तैयार किया है। इसमें कुर्ते के पीछे जय श्री राम लिखा हुआ मिलेगा। हल्के क्रीम रंग के खादी के इस कुर्ते में आगे से शादी और पीछे भगवान राम का मंदिर भी संकेतात्मक मंदिर होगा। खादी विकास और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार बुधवार को कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया में सनातनी वस्त्र की श्रृंखला को लॉन्च किए। जातीय गणना के बाद राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में 75% आरक्षण का नियम लागू कर दिया गया है। आरक्षण के नए प्रावधान के तहत बिहार में पहली नौकरी कृषि विभाग में होगी। BPSC की ओर से कृषि विभाग में इस तरह के अलग अलग 1051 पदों पर बहाली निकाली गई है। BPSC की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार नए आरक्षण नियम के तहत यह बहाली होगी। इसमें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण कोटे को हटा दिया गया है। कुल 75% आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा। HDFC बैंक जल्द ही HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को IPO बाजार में ला सकता है। कंपनी के CFO श्रीनिवासन वैद्यनाथन ने बताया कि HDFC की नॉन बैंकिंग कंपनी HDB के IPO की तैयारियां जल्द शुरू होने वाली है। सितंबर 2025 के आसपास लाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में HDB का लाभ 640 करोड़ रुपए रहा था। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी को 500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। राज्य के 61% छात्र छात्राओं का डेटा विद्यालयों ने अब तक UDAS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। 15 जनवरी तक राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2.5 करोड़ विद्यार्थियों में मात्र 39% विद्यार्थियों का ही डेटा UDAS पोर्टल पर स्कूलों ने अपडेट किया है। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से लगातार पोर्टल पर अपडेट अपलोड करने का निर्देश दिया जा रहा है। वहीं राज्य के 33% स्कूलों के प्राध्यापकों ने ही शिक्षकों और छात्रों का डेटा UDAS पोर्टल पर अपडेट किया है। देश में मौजूदा वर्ष में चीनी का उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि देश में आम लोगों को चीनी की दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिस वजह से चीनी के उत्पादन में कमी हो रही थी, सरकार ने उसी की उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए फैसला लिया है। दरअसल मोदी सरकार ने गन्ने के रस से बने सीरा के निर्यात पर 50% शुल्क लगा दिया है। यह एथेनॉल उत्पादन का प्रमुख घटक है। लाल सागर में संकट पैदा होने से समुद्री मार्ग से माल ढुलाई की दरें 600% तक बढ़ गई है। भारतीय एक्सपोर्टर्स ने आशंका जताई है कि इससे वर्ल्ड ट्रेड को भारी नुकसान होगा। निर्यातकों ने केंद्र सरकार से अपनी खुद की ग्लोबल शिपिंग लाइन शुरू करने की मांग की है। भारतीय निर्यातकों के संगठन FIO के महानिदेशक अजय सहाय ने मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित व्यापार बोर्ड की बैठक में माल ढुलाई के बढ़ते रेट का मुद्दा उठाया। जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने भारत में लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का 2024 मॉडल लॉन्च कर दिया है। इस 7 सीटर SUV को 67.90 लाख रुपए एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया। इस SUV में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़े अपडेट के रूप में फिर से डिजाइन किए गए शाइनी फिनिश में पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल के साथ साथ नए LED हैंड लैप
टेल लैंप और 19 इंच के अलॉय व्हील है। घरेलू बीमा क्षेत्र अगले एक दशक तक 7% की दर से विकास कर सकता है। इस दौरान वित्त वर्ष 2034 तक इसका प्रीमियम दोगुना बढ़कर 450 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इस समय प्रीमियम आय 224 अरब डॉलर है। स्विस रे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों के में कुल बीमा प्रीमियम आय सालाना 7.1% की दर से बढ़ सकती है। वैश्विक विकास की औसत दर 2.4% और उभरते बाजारों में दर 5.1% रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीमा जागरूकता अभी 3.8% है, जो 10 वर्षों में बढ़कर 4.5% हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि भारत अब कोई बैंक ऑफिस नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में शानदार सफलताओं का दूसरा नाम है। गारसेटी ने कहा कि भारत में अब सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही नहीं बनाई जा रही, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मुकाम गढ़े जा रहे हैं। इसी तरह प्रौद्योगिकी हो या वित्त, भारत हर क्षेत्र में सफलता के प्रतिमान गढ़ रहा है। कई मामलों में भारत नेतृत्व कर रहा है और अमेरिका के लिए भारत के इन तरीकों का अनुसरण करना अहम है। हेपेटाइटिस के सुपर संक्रमण को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों का शोध कामयाब हुआ है। उन्होंने इसका स्वदेशी टीका विकसित किया, जो परीक्षण के बंदरों पर असरदार मिला। एक साथ कई तरह के हेपेटाइटिस पर काम करने वाले इस टीके का परीक्षण अध्ययन मेडिकल जर्नल वैक्सीन में प्रकाशित हुआ। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस ई और बी वायरस के खिलाफ संयुक्त लिपोसोम आधारित टीका तैयार किया है। 1980 के बाद बर्फबारी में तेजी से आ रही गिरावट के पीछे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना गया है। इसके कारण आने वाले समय में अत्यधिक आबादी वाले इलाकों में भारी जल संकट की आशंका जताई है। नेचर जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार इस नुकसान की सीमा और गति उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के लाखों लोगों को संकट में डाल सकती है, जो पानी के लिए बर्फ पर निर्भर है। अध्ययन के अनुसार बर्फ के पिघलने से नदियों में बनने वाले पानी, जिसे स्नोपैक कहते हैं, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे तेज कटौती हो रही है। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की बात करेंगे तो आपके दिमाग में किन देशों के नाम आएंगे? ग्लोबल डिफेंस इन्फॉर्मेशन का ट्रैक रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने इस मामले में टॉप 10 देशों की सूची जारी की है। इसके अनुसार अमेरिका की सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है, दूसरे स्थान पर रूस तो तीसरा स्थान चीन के पास है। भारत को इस लिस्ट में चौथा स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक थीम आधारित ट्रेन मार्ग श्री राम जानकी यात्रा 2023 में 5 सबसे पसंदीदा पर्यटक सर्किटों में से एक है। भारतीय रेलवे ने मंगलवार को कहा कि अन्य 4 सामान्य रूप से लोकप्रिय सर्किट श्री जगन्नाथ यात्रा, गरवी गुजरात दौरा, अम्बेडकर सर्किट थे। रेलवे के अनुसार उसने पिछले साल भारत गौरव ट्रेनों की 172 यात्राएं संचालित की और इन 5 मार्गों पर सबसे अधिक संख्या में ट्रेन यात्राएं हुई और पर्यटक आए। रेलवे ने आगे कहा, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेनों के बैनर तले थीम आधारित सर्किट पर पर्यटकों ट्रेनों के संचालन की अवधारणा पेश की। विश्व आर्थिक मंच ने मंगलवार को चेताया कि जलवायु संकट के कारण बढ़ी आपदाओं से 2050 तक दुनिया भर में 1,45,00,000 लोगों को जान गंवानी पड़ सकती है। WEF के विश्लेषण में 2050 तक दुनिया भर में 12.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होने की भी आशंका जताई गई है। WEF ने कहा कि इन आशंकाओं का मुकाबला करने और विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को कम करने के लिए निर्णायक और रणनीतिक कार्रवाई करने का समय आ गया है। विश्व आर्थिक मंच में एक सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत के विकास संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न झटकों और संकटों के बावजूद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार आया है। उन्होंने कहा कि भारत उसके व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी भरोसा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें वास्तव में भारत में व्यापार के अवसरों पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि यह भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में निर्माण करने का सही समय है। बिजली बिल के बकायेदारों को सरकार द्वारा दी गई ऑल टाइम सेटलमेंट यानी OTS सुविधा मंगलवार रात 12 बजे के बाद समाप्त हो गई। दोपहर के वक्त चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में विभाग के द्वारा बैठक की गई। इस बैठक में OTS का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं व बकायेदारों से वसूली को लेकर गहन चर्चा की गई। करीब घंटे भर चली इस बैठक में OTS के बाद भी बिल नहीं जमा करने वालों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। सूची तैयार होने के बाद ऐसे लोगों के कनेक्शन को कट करने का अभियान शुरू किया जाएगा। मोबाइल पर वीडियो, फिल्म या टीवी चैनल देखने के लिए सिम कार्ड और इंटरनेट दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल देश में डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण जल्द ही एक वास्तविकता बन सकता है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक प्रसारण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण जल्द ही 19 शहरों में किया जाएगा और इस उभरती प्रौद्योगिकी के लिए 470/582 MHz स्पेक्ट्रम आरक्षित करने की जोरदार वकालत की जाएगी। गर्मियों में ठंडा और मीठा ड्रिंक पीने का मन करता है, ऐसे में हार्ट सल्जर एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक ऐसी ड्रिंक है जिसमें शराब और सोडा का मिश्रण होता है। यह स्वादिष्ट और शीतल होने के साथ साथ कम कैलोरी वाली होती है, इसलिए युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। भारत में हार्ड सल्जर का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कोविड ने इसे फलने फूलने का अवसर दिया है, क्योंकि इस दौरान काफी बदलाव हुए और सबसे बड़ा बदलाव पानी पिलाने को लेकर हुआ, जिसमें लोगों ने संयम बरतना शुरू कर दिया।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज नागालैंड के मोकोकचुंग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा के दौरान वे बाइकर से भी मिले और उनसे कुछ देर बातचीत भी की। मीडिया से बात करते हुए एक बाइकर ने बताया कि उनके और राहुल गांधी के बीच बाइक के अलावा अन्य किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हुई है। बाइकर ने कहा, हमारे बीच सिर्फ मोटरसाइकिल को लेकर बातचीत हुई, साथ ही उनके लद्दाख दौरे को लेकर भी बात हुई। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कोई बात नहीं की। मैं पहली बार राहुल गांधी से मिला हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर में बुधवार को सुबह के कारोबार में 2% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे इस सरकारी बीमा कंपनी का मार्केट कैप 5.8 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। LIC ने मार्केट कैप के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में LIC अब देश की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। BSE पर SBI के शेयर 1% की कमजोरी के साथ कारोबार करते दिखे। इसका मार्केट कैप लगभग 5.62 लाख करोड़ रुपए था। खाद्य तेल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तेल के आयात शुल्क में छूट की सीमा सरकार ने मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से फिलहाल एक साल तक आम जनता को खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जून में कच्चा पाम ऑयल, कच्चा सूरजमुखी तेल और कच्चा सोयाबीन तेल के लिए आयात शुल्क में छूट की सीमा मार्च 2024 तक की थी। भारत कनाडा तनाव का असर दोनों देशों के रिश्तों पर देखने को मिल रहा है। कनाडा के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि भारतीय छात्रों को जारी किए गए परमिट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए साक्षात्कार में कनाडा शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ऐसा दो वजहों से हुआ है। पहली वजह है भारत द्वारा परमिट की प्रक्रिया करने वाले कनाडाई राजनयिकों को निकालना और दूसरी वजह यह है कि कम भारतीय छात्रों ने आवेदन किया था। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया उनके नाम है धनंजय कुमार, राहुल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार चौहान, रमन कुमार, नन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, अकबर अंसारी, मोहम्मद सकीर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपने बिहार की राजधानी पटना के किस किस पर्यटन स्थल का भ्रमण किया है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।